चले शुरू करें। क्या है आज का टॉपिक? दिख रहा लोग फिर वक्त कम हो जाते हैं, बच्चे भूखे हुए। नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो आप पीछे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कैसा मिर्च है? लाल लाल है ना, तो ये मिर्च है। सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, मिर्च के साइंटिफिक नेम क्या है? ये मिर्च जो दिख रहे हैं ना, इसके बोटनिकल नेम बताना। पक्की बात है? एक बार स्पीकर ऑन चेक कर लेता हूं। सही है, कैप्सिकम एनम। ये जो मिर्च है इसका क्या नाम है? पक्का? अब देख, तीन बार बोल दिया, इसका मतलब तो गड़बड़ तो होगा मामला। गलत है। अरे सर, तो अभी तक तो यही पढ़ा गुरुजी, आप बोल रहे हो गलत है। ये क्या है? कैप्सिकम है। कैप्सिकम, इसे बोलते हैं कैप्सिकम फ्रूटोसेंस। मुझे पता था कि ये आएंगे। अरे पागल, पूरी अभी देश में आएगा जी, जानकारी समझना इसको आराम से। कैप्सिकम एनम, क्या समझते हैं? ये कैप्सिकम शब्दों से लिया गया है। स्पीसीज बहुत सारे स्पीसीज हैं मिर्च के, 17-18 स्पीसीज है। किसके हैं बताओ? मिर्च के। अपन दो जाति इसके पढ़ते हैं, कौन कौन है? एक को आप बोलते हो ये जो दिख रहा है वो कौन सा मिर्च है, इसको बोलते हैं तीखी मिर्च। क्या बोलते हैं? तीखी मिर्च, हॉट पेपर। नाम क्या है उसका? हॉट पेपर। और दूसरा जो शिमला मिर्च, ऐसे ऐसे बना देता हूं ताकि आपको गोल गोल ये समझ में आ जाएंगे। ये शिमला मिर्च ये घंटी के जैसा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेल पेपर। और इसका नाम होता है कैप्सिकम एनम। क्या नाम है बताओ? कैप्सिकम एनम। लेकिन हम लोग क्या बचपन से यही चीज समझते रहते हैं, कैप्सिकम एनम, तो ठीक है, चल रहे हैं अपना मामला। कैप्सिकम बहुत सारे रिसर्च पेपर जब आप देखोगे ना अंदर की माल, तब जाके पता लगेगा, अच्छा ये कैप्सिकम एनम है और ये क्या है? कैप्सिकम फ्रूटेशन। थोड़ी सी अपनी जो मेमोरी है ना उसमें चेंज कर लेना, बस हल्की सी चेंज, कि जो आप सोचते थे वो गलत है, इसका बोटनिकल नेम कुछ और है। क्या क्या है बताओ? कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले तो ये इमेज देख लो। दिख रहा है इमेज? नहीं दिख रहा है? ये तो मैं लाया हूं, इस दोनों में डिफरेंस मैं आपको लिखूंगा। अब ये आप देख लिए तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये इधर रहने दे, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेंगे। एक तरफ हम ले लेते हैं चिली, क्या है बताओ? एक तरफ क्या है? चिली। और दूसरे तरफ हम ले लेते हैं दोस्त, इसका नाम जो है कैप्सिकम। कैप्सिकम। तो बेसिक पॉइंट आपको बताना है, एक तो चिली आपने देख लिया और एक क्या देख लिया? कैप्सिकम। चिली आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे वाले, और ये क्या है? कैप्सिकम। तो इसको हम बोलते हैं हॉट पेपर। क्या बोलोगे इसको? ऐसा है, दो चार डिफरेंस आप लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं? हॉट पेपर। किसे कहते हो हॉट पेपर? ये जो मिर्च जनरली कहते हैं। और ये है बेल पेपर, इसको क्या बोलोगे? ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी बोटनिकल नेम का, तो बोटनिकल नेम इसका जो जानते हो वो इधर लिखना, कैप्सिकम एनम। क्या लिखोगे बताओ? कैप्सिकम एनम। और इसका हम लिखेंगे कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। ये हो गया फ्रूटेसेंस। किसका हो गया? मिर्च का। अब आप इजली बता दोगे, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस मिर्च में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है? तो ऐसे आप जानते हो कि मिर्च में कौन से विटामिन पाए जाएंगे? सी। तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी, पाया तो जाता है इसमें ज्यादा। एज कंपेयर बात करेंगे तो इसमें विटामिन सी क्या होते हैं? कम। अब आ जाएगा इसका पंजेंसी। पंजेंसी का मतलब समझते हो? पंजेंसी। पंजेंसी का मतलब होता है तीखापन। क्या होता है बताओ? तीखापन। तीखापन किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण?
कैप्सेसिन, इसको इंग्लिश में ही लिखना आप, कैप्सेसिन। तो ये कैप्सेसिन इसमें क्या होंगे, ज्यादा, इस वाले मिर्च में तीखी क्या होती है, ज्यादा, और ये वाले मिर्च में कैप्सेसिन क्या होंगे, कम। ये जो मिर्च होते हैं इसका उपयोग हम कहां करते हैं, यूज की बात करें तो इसका उपयोग हम करते हैं मसाला में, कहां करते हैं बताओ, मसाला में, स्पाइसेस में किसका उपयोग होता है बताओ। तो ये आप बोलोगे इसका, किसका, ये वाले का, चिली मिर्च का। और ये जो यूज होते हैं ये कहां यूज होते हैं, ये होते हैं वेजिटेबल में, सब्जी बनाने में, वेजिटेबल्स में किसका उपयोग करते हैं, कैप्सिकम का। अब हम बात करते हैं ये जो चिली आप पढ़ते हो ना, एक्चुअल में ये है सेल्फ पोलिनेशन, कैसा होता है बताओ, सेल्फ पोलिनेशन। और ये जो पढ़ते हो ये पढ़ते हैं ऑफन, OFFN, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, पराया पर परागण, कौन है ये, जिसको आप बोलते हो कैप्सिकम, सही है ना। तो मोर, अब इसकी ग्रोथ बताओ, तो इसकी ग्रोथ देखता होगा जनरली जो ग्रीन हाउस में कौन लगाते हो, ग्रीन हाउस में कौन लगता है, जनरली लगा तो दोनों सकते हो लेकिन जनरली हम बात करें ग्रीन हाउस में तो ये लगता है कैप्सिकम। तो एक और पॉइंट लिखूं आपको दिख जाएगा, ग्रीन हाउस में कौन लगाया जाता है, तो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ये पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस में खेती किसकी करते हैं भाई, तो ये करते हैं कैप्सिकम का। और ये वाले जनरली कहां होता है, ओपन फील्ड में, कहां होते हैं, ओपन फील्ड, खुले मैदान में, ये ओपन। और मैंने बताया था टमाटर में भी जो खुले खेत होते हैं ना उसकी ग्रोथ कैसी होती है बताओ, वृद्धि की बात करें तो, वृद्धि की बात करें तो ये होता है सीमित, कैसा होता है बताओ, सीमित, सीमित को बोलते हैं डिटरमिनेट, क्या बोलोगे, डिटरमिनेट, कैसा वृद्धि है, डिटरमिनेट। और ग्रीन हाउस में जो लगाते हैं वो कैसा है, असीमित, कैसा है, असीमित। और असीमित को बोलते हैं इनडिटरमिनेट, क्या बोलोगे, इनडिटरमिनेट। और इसी में होगा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड, तो ये हो गए भाई साहब बेसिक डिफरेंस किस में, चीली। और कुछ पता लगा, कुछ दिमाग खुले, किसे बोलोगे कैप्सिकम एनम और किसे बोलेंगे प्रोटोसेंस, एक बार जल्दी से रिवीजन करा दोगे तो मजा आ जाएगा। बताओ चिली को क्या बोलते हो, हॉट पे, नाम ही है हॉट, गर्म है, तो गर्म है इसका मतलब इसका नाम है प्रोटोसेंस, वो क्या है, बेल पेपर, उसको क्या बोलते हो, एनम। इसमें विटामिन सी क्या होता है, ज्यादा, उधर विटामिन सी क्या है, कम। पंजेंसी कैप्सिसिन इसमें क्या होगा, ज्यादा, उसमें क्या है, कम। ये यूज कहाँ होते हैं, मसाला पाउडर उडर बनाने, उसका वेजिटेबल्स में। ये कैसा है, सेल्फ पोलिनेशन, वो कैसा है, क्रॉस। इसकी वृद्धि कैसी होती है, सीमित। डिटरमिनेट का मतलब माथे पे क्या आ जाएगा, फूल। और वो कैसा है, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट का मतलब ग्रीन हाउस में लगेंगे और इसका उत्पादन भी क्या होगा बताओ, ज्यादा होंगे। और इसमें करते हैं ट्रेनिंग एंड, सही है। अब आगे की कहानी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम करने वाले हैं आपके साथ शेयर। अब जब मैं लिखूंगा कौन सा पेपर है बताओ, हॉट पेपर, कौन सा है बताओ, हॉट पेपर। तो अब हम बात करेंगे, आप भी मेरे साथ हेडिंग डालोगे हॉट पेपर, और इसी को हम बोलते हैं क्या, चिली, क्या बोलोगे, चिली। अब इसमें एक कंपेयर करके हम पढ़ेंगे किसके किसके बीच में, क्योंकि हमारे सोलेनेसी का ये लास्ट क्रॉप है तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। बोटनिकल नेम की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई बंधु तो क्या लिखोगे, कैप्सिकम फ्रूटोसेंस, अब तो गलत नहीं। और इधर हम बात करेंगे तो कैप्सिकम एनम, किसकी बात करोगे, कैप्सिकम एनम। अब क्रोमोजोम नंबर की हम बात करेंगे तो बताओ कितना होगा, 2n = 24। अगर इसकी उत्पत्ति की बात कर दिया, ओरिजिन की बात करोगे, उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्पत्ति होगा इसका कहाँ, मैक्सिको, कौन सी उत्पत्ति है बताओ, मैक्सिको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होंगे, मैक्सिको। अच्छा तो तीन पॉइंट ये डिस्कस हो गए, अब हम बात करेंगे इसका फ्रूट टाइप, कौन सा टाइप, फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप का मतलब होता है फल प्रकार, फल प्रकार। तो फल प्रकार गुच्छे में लगते हैं, इसे आप क्या बोलोगे, बेरी, क्या बोलेंगे,
बेरी, पहले ना ये जनरल पॉइंट जितने आते हैं वो लिख लिया करो। अब हम लिखेंगे क्या, प्रोपगेशन। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोपगेशन, जो जनरल टॉपिक है उसको लिखो। तो तुम भी अपने आप बोल सकते हो किसी भी फसल पे 8-10 लाइन। प्रवर्धन तो किसके द्वारा होगा बताओ, बीज के द्वारा, और जिसका बीज दर हम कितना रखते हैं, 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना रखोगे, 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट जो इसमें हम उपयोग लेते हैं। अब आ जाओ इसके कुछ न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट, कि भाई न्यूट्रिशनल का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक महत्व तो कुछ है, पौष्टिक महत्व तो है, इसका कुछ खाने पीने से कुछ फायदा होंगे। तो इसके खाने पीने से फायदा है, इसमें मिलेगा क्या, विटामिन सी, और वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। दूसरा जो केमिकल होगा खाने पीने में, तो पूछ लेगा इसका लाल रंग, रेड कलर किसके कारण होता है, तो ये होते हैं ना कैपजेंथीन के कारण। किसके कारण होता है बताओ, देखो जब भी जेंथीन आ जाए ना, इसका मतलब होता है वर्णक, या हम कहते हैं पिगमेंट। वो क्या है बताओ, पिगमेंट। जेंथीन क्या है, पिगमेंट है। और अब आ जाए तीखापन, तीखी मिर्च या तीखापन, जिसको हम बोलते हैं पंजेंसी। क्या बोलते हो, पंजेंसी। तो इसका आंसर जाएगा क्या, कैप्सेसिन। क्या जाएगा, कैप्सेसिन। तो ये न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब भोजन का जो लाल रंग होते हैं वो होता है ओलेरेजिन के कारण। यही इस बार आया हुआ प्रश्न है कि भोजन में सुगंध, एरोमा लिख देता हूं, इसमें सुगंध, एरोमा, खुशबू, ये सब सब्जियों में जो आते हैं ना, वो किसके कारण आते हैं, ओलेरेजिन के कारण। तो तीन केमिकल आपको याद रखना है, कौन कौन, कैप्जेंथीन लाल रंग, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन तीखापन। अगर मिर्च हरा हो, हरी मिर्च, तो किसके कारण, क्लोरोफिल। किसके कारण होगा, क्लोरोफिल। अच्छा मिर्च पीली रंग का हो, पीली रंग का, पीली रंग का आ जाए, हल्की पीली रंग का दिखे, तो ये होता है ल्यूटीन के कारण। किसके कारण, ल्यूटीन के कारण। अगर मिर्च हरा हो जाए तो ये किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण लिखोगे, क्लोरोफिल के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट बनते हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। बताएं यहां तक चल गए, तो ये हो गया बाहर की दुनिया, बाहर वाले जनरल वाले। अब बाहर बाहर जब आ गया तो एकदम बाहर से आना है भाई, फल तक चले गए, तो फल के पहले एक पॉइंट और आपको आ जाता है, परागण का। किसकी बात करोगे बताओ, परागण यानी कि पोलिनेशन का। तो देखो मिर्च में ना कुछ नहीं लिखता है कि शिमला मिर्च है या हॉट पेपर है, कुछ नहीं लिखेगा। तो जनरली हमें लिख देता है क्या जानते हो, ऐसा चिली। ये कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ चल रहे हैं, मिर्च का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। तो अभी जो हमारे गाइड में चलते हैं ना, आप वही याद रखना। क्या लिखोगे, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। क्या लिखोगे, ऑफन क्रॉस। इसमें दो जगह मैं आपको कंफ्यूजन चेक करा चुका हूं बताओ, एक तो मैंने बोला था ब्रिंजल में, और एक कहां बोल रहा हूं बताओ, चीली में। एक्चुअल जो ये चीली होते हैं ना, वो है सेल्फ पोलिनेटेड। क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड। और शिमला जो मिर्च होते हैं ये होते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। क्या होता है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। ब्रिंजल भी क्या मैंने बोला था, ये अगर नहीं आए तो सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन अगर ऑप्शन है ऑफन क्रॉस तो हम क्या टिक करेंगे, ऑफन। और मिर्च में भी क्या टिक करोगे, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ वाले अभी हटा देना, मैंने तो तुझे बता दिया, पर आप जब बड़े बड़े रिसर्च पेपर आप पढ़ के देखो ना, तो उसमें क्या है, चीली सेल्फ पोलिनेशन में। किसमें रखते हैं बताओ, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन हम अभी भी 3 स्टार लगा के देखो, तीसरी बार बोल रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूजन ना हो, चीली को रखेंगे ओपन क्रॉस पोलिनेशन। कहां रखेंगे बताओ, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, छोटे मोटे गाइडों से। तो गलत कर दोगे तो 3-4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। क्या रखेंगे बताओ, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। देखो अब पोलिनेशन हो गया, तो पोलिनेशन के बाद एक और इसका प्रश्न बनता है जिसका नाम है पृथक्करण दूरी। क्या है बताओ, पृथक्करण दूरी। इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग इसे बोलता है आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या बोलोगे इसको, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब ओपन क्रॉस पोलिनेशन रहे ना, तो इसके दो तरह के बीज बनेंगे, कौन कौन, एक का नाम आप बोलोगे फाउंडेशन सीड,
और दूसरा का नाम हम बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। कौन सा सीड है बताओ? सर्टिफाइड। सर्टिफाइड को हिंदी वाले बोलता है प्रमाणित बीज, और ये कौन सा बीज है? आधारी बीज है। कौन सा बीज है? आधारी। और ये ज्यादा शुद्ध होगा। ये बीज क्या है? ज्यादा शुद्ध। और ज्यादा शुद्ध होगा तो इसकी दूरी क्या रखोगे? ज्यादा 400 मीटर, और इसकी दूरी हम कितना रखते हैं बताओ? 200 मीटर। कितना रखोगे? 400 और 200। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, यानी कि एकदम सबको अब रटते रहोगे तो कितना रटोगे? तो ये हो गए आपके पोलिनेशन। क्या हो गया बताओ? पोलिनेशन। अब ये हो गया आपके फलों का रंग उंग, जो छोटी मोटी पॉइंट था, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, नहीं लिया स्क्रीनशॉट। अब यहां से शुरू करते हैं जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक का मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वहां क्या क्या है? सारे फसल का बुआई याद करना है, मिट्टी याद करना है, पीएच याद करना है, ये सब तो याद करना ही नहीं अपने यहाँ, तो तुम भी लिख सकते हो ऐसे। केवल सीक्वेंस पता होनी चाहिए, सब क्रॉप में वही चलना है, सब में। अभी स्लाइड आओ, स्लाइड में दिखाऊंगा। बताओ सबसे पहला क्या लिखोगे? सोइंग। मुझे बताते जाओ जल्दी। बुआई क्या होगा इसका? फटाफट, ये तो 5 मिनट में निपटा देना है। बुआई क्या है? कौन सा है जिसका हम फल खाते हैं? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत कर दोगे, वो उसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। फल खाते हैं तो फल खाएंगे तो उसकी दो बुआई बनेगी। कौन कौन? एक तो फरवरी मार्च और दूसरा जून। इतना पढ़ाता हूं ना, 20 बार लिखता हूं, फिर भी लड़के गलत करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। एक तो फरवरी मार्च और दूसरा क्या हो गया? जून जुलाई। अब प्रश्न क्या है देखो, अब मैं ये लिख देता हूं प्रश्न, अभी देख कर आ रहा था। कौन सा वेजिटेबल्स सर्वाधिक गर्मी, गर्मी को समझ लो इंग्लिश वाले लिखेगा हॉट टेम्परेचर टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब समझ जाओगे? सहनशील है। माने किसको गर्मियों में लगाए किसान तो उसको दिक्कत नहीं होगा। अब हम सारे उदाहरण ले रहे हैं सोलेनेसी का, ताकि आप ज्यादा अच्छा समझो। पहला उदाहरण ले रहा थी, ऑप्शन लिया आलू, सेकेंड ले लिया दोस्त टमाटर, ये पूछे हैं अभी बैंक वाले में, तीसरा टमाटर के बाद बैगन, ब्रिंजल, और डी ऑप्शन है मिर्च। देखो इससे एक प्रश्न आया था क्या, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। इसमें ऑप्शन तो ये तीन थे और पूछा इनमें से डीप रूटेड किसका है। डीप रूटेड, अरे भाई डीप रूटेड तो तीनों है अंदर। देखो जो मोनोसियस होते हैं ना, मैंने बताया था कौन सा? मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब जैसे इसकी पत्ती ऐसे ऐसे जाएंगे, तो इसकी जड़ें ना हल्की होती है। घास उसकी जड़ें देखा होगा कैसी होती है, एक ऐसे दिमाग में दे देता हूं। इसकी जड़ें क्या होती है? हल्की। इसको ऐसे निकालोगे तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन जो डायोसियस होते हैं ना, ऐसा वाले, ये वाले पेड़, इसकी जड़ें क्या होती है? गहरी होती है। क्या होती है जड़े? जैसे मैं बोलू आम को निकाल, मुश्किल हो जाएंगे। यहां बोलो घास को निकाल, गेहूं को निकाल, चावल को निकाल, गन्ना को निकाल, ज्वार को निकाल, बाजरा को खींच के निकाल देगा। लेकिन मैं बोलू बरगद को निकाल, पीपल को निकाल, मुश्किल घड़ी में आ जाओगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो यहां पे था। जैसे अब इससे कितना फायदा है, ओनियन की जड़ें क्या होगी? सेलोरेटेड होगी। पता तो लगे कि ओनियन है क्या, मोनोसियस है या क्या है, डायोसियस है, तो ऐसे पता। लेकिन प्रश्न ये था, टमाटर बैगन मिर्च में किसकी जड़ें गहरी होती है? तो सब तो एक जैसा है। तो अब आप समझना, मैंने बताया था कि अगर जलवायु के आधार पे देखा जाए, क्लाइमेट के आधार पे जड़ों का अगर मैं वर्गीकरण करूं इस जड़ का, तो आप पाओगे क्या कि जानते हो कि जो क्षेत्र गर्म होते हैं ना, गर्म, वहां के प्लांट की रूट गहरी होगी। क्या होगी बताओ? क्योंकि पानी तो है नहीं, तो इसका रूट सिस्टम क्या होना चाहिए? बेल डेवलप होना चाहिए, तभी तो अंदर से निचोड़ के खखोर के पानी लाएगा ऊपर। अब जहां ऊपर ऊपर ही पानी, ऐसे वर्षा वाले रीजन जहां बारिश खूब हो रहे हैं, रेनफॉल एरिया है, रेनफॉल ज्यादा है, खूब धुआंधार बारिश हो रहे हैं, वहां की जड़ें तो ऐसे ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे, बोलेगा मुझे पानी खूब है, तो उसकी रूट सिस्टम इतनी विकसित नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, इसके रूट सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा। अब मुझे बताओ, कहा जाता है ना
इसमें जो मिर्च है ना, ये 35 डिग्री से 37 डिग्री तापमान तक अपना ग्रोथ कर सकता है। सबसे ज्यादा सोलेनेसियस में कौन ऐसी सब्जी है जिसको गर्मी मजा आता है? गर्म आप राजस्थान में देख लो, मिर्च दनदना के होते हैं ना। क्या रीजन है कि कौन सी सोलेनेसी को सबसे ज्यादा गर्मी पसंद है? तो वो है मिर्च। अधिकारी बनोगे ना तो ये सब कॉन्सेप्ट याद आएगा। अरे यार क्या मजेदार चीज पढ़ा गए थे वो सर। तो ये अब जो गर्म जलवायु है वहां कौन सी सब्जी एकदम आराम से, देखा होगा पत्थरों पे भी हो जाते हैं मिर्च। कहाँ हो जाते हैं? पत्थरों पे। इसको ज्यादा चीज नहीं चाहिए तो पूछेगा एरिड टॉलरेंट सोलेनेसी कौन होते हैं? मिर्च। अब बताओ पत्थर पे हो रहा है तो इसकी जड़ मजबूत होगी तभी तो हो रहा होगा, नहीं तो पत्थर से खखोर के पानी लाना मुश्किल काम है। तो सबसे ज्यादा डीप रूटेड ये आया हुआ है कौन है बताओ? मिर्च। कौन है? तो ये एक अच्छा प्रश्न। तो बुआई कर दिए, कौन सा गर्मियों में ज्यादा टॉलरेंस है ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चले भाई, तो बुआई हो गया, अब बताओ मृदा कैसी होनी चाहिए इसकी, सॉइल कैसी होनी चाहिए बताओ। तो सॉइल सबके लिए दे दो ना गुरुजी, वही तो एक ही तो सॉइल आपके पास है, कौन है बताओ? सैंडी लोम। अब पीएच की बात करें तो पीएच इसका कितना होगा बताओ? मैंने बोला था अधिकांश सब्जी को 6.5 से 5.5 से लेकर कहां पे रखेंगे? 6.5। लेकिन कॉन्सेप्ट समझो आप। हमने क्या बोला, मिर्च तो यार गुरुजी ये तो सूखे में भी हो सकते हैं, तो अगर इसका पीएच कहीं बुक में 6 से 7 भी मिल जाए ना तो आपको घबराना नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन क्लाइमेट। किस पे निर्भर करेगा? क्लाइमेट पे। 6 से 7 में भी मिर्च बहुत अच्छे से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिर्च औरों की अपेक्षा इसकी पीएच थोड़ी सी क्या रखना, ज्यादा। थोड़ी सी क्या रखेंगे, या हम कह सकते हैं औरों की सापेक्ष मिर्च को पानी क्या चाहिए? कम। पानी क्या चाहिए? कम चाहिए। पानी कम चाहिए। टमाटर बैगन आलू की सापेक्ष मिर्च को पानी क्या चाहिए? कम। और पानी कम तो पीएच हल्की सी क्या होगी? ज्यादा। हल्की सी क्या हो जाएगी? तो ये हो गए आपके पीएच का कॉन्सेप्ट। तो पीएच वीएच अब आ जाते हैं इसका कुछ बेसिक पॉइंट जो इधर से बात करेंगे। जैसे कौन सा राज्य है जो फर्स्ट रैंक पे है, तो राज्य की स्टेट की बात करोगे तो कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर हम बात करते थे किसका, देश का। इसमें पहली बार आया दर्शन कौन? भारत। अभी तक सब में कौन था? चाइना। अब कौन आया है? इंडिया, फर्स्ट रैंक। और ये भी जानते हो तीखी मिर्च में, किस मिर्च की बात किया है? तीखी मिर्च। यानी हॉट पेपर की बात करें, हॉट HP लिख देता हूं, हॉट पेपर की बात करें तो इंडिया क्या है? फर्स्ट। लेकिन अगेन शिमला मिर्च की अगर हम बात कर दें, शिमला मिर्च, कैप्सिकम की बात करें तो कैप्सिकम में फर्स्ट रैंक अगेन आ जाएगा चाइना। कौन आ जाएगा? ये हो गए आपके जनरल पॉइंट अभी तक समाप्त। जो जनरल पॉइंट हम पढ़ते हैं उनके लगभग पॉइंट हमने कवर किया। अब इसका एक अच्छा प्रश्न क्या आता है वो जरा देख लेते हैं। एक बार इधर से भी दिखा दूं, अपने भी चलें, सार वाले भी। अरे सर सार तो पढ़ाओ, सार तो आप आजकल देखते ही नहीं। क्या पढ़ाऊं, वनस्पति। इसमें अच्छा लगता है जरूर स्लाइड देखने में। अरे ऐसे क्या लिख के लाता हूँ ना, तो वो कुछ लड़के हैं ना, अरे सर स्लाइड हिंदी में लाते हैं। मेरे इतना एकदम गुस्सा आ जाता है ऐसे कोई बोलता है। अब इसको लिख 2 बार मेहनत करना पड़ता है देख। अब उसको ना गधेड़े को इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बोटनिकल नेम लिखना पड़ता है, कैप्सिकम। इसीलिए हमने केवल लिख दिया स्पीसीज। क्या लिखा? अब यहाँ ओरिजिन मैक्सिको। भारत में सर्वाधिक मिर्च कहाँ है? आंध्र प्रदेश। जल भराव के, हाँ देख कितना अच्छा पॉइंट है, इसको दूसरे शब्दों में लिखा है ना, जल भराव के प्रति। यानी वाटर लॉगिंग क्या है? सेंसेटिव। अभी तो आपने बोला मिर्च को पानी कम चाहिए गुरुजी, वाटर लॉगिंग क्या है ये? सेंसेटिव। सेंसेटिव का मतलब जानते हो ना, संवेदनशील। बता दिया, आइसक्रीम जो खाते आ जो करते थे तो वो सेंसेटिव। तो ये सेंसेटिव है, इसको पानी ज्यादा दोगे तो ये मिर्च का उत्पादन ज्यादा अच्छा नहीं होगा। शिमला मिर्च में फर्स्ट कौन है? चाइना। फल प्रकार क्या है बताओ? बेरी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे तो बात करूंगा।
हॉट पेपर ये इधर है, बेल पेपर इधर है, जिसको शिमला मिर्च पेपरिका जो होते हैं, पेपर पाउडर को ही हम क्या बोलते हैं बताओ, पेपरिका। ये जो पाउडर देख रहे हो इसको, अच्छा वो तो पाउडर अभी बनाऊंगा। चिली टॉलरेंट एक्सट्रीम क्लाइमेट देन टोमेटो एंड ब्रिंजल। समझ में आ गया कि मिर्च जो होते हैं ये सबसे ज्यादा गर्म जलवायु को सहनशील कर सकता है, बता दिया हूं। चिली फ्लावर ड्रॉप हाइएस्ट, देखो अब कब, 35 डिग्री के बाद इसके फूल क्या होंगे, गिरेंगे। 30 डिग्री 26 डिग्री पे तो इसको मजा आता है, और गर्मी दे और दे गर्मी और दे, तो हुमच के गर्मी सूर्य भगवान बोलते हैं ले, कस के दे देते हैं 40-45 डिग्री दे देते हैं, तो बोलता है अब नहीं सहूंगा, अब गिर जाएगा, तब क्या हो जाते हैं, गिरते हैं। चले ये पॉइंट किया हूं। येलो फ्लावर कलर, अभी तो बताया था पीला रंग फूलों का, वहां लिख देना किसकी रंग, फूलों का, वो किसके कारण होते हैं, ल्यूटीन के कारण, समझा चुका है ये। ऑरेंज कलर किसके कारण होते हैं, बीटा कैरोटीन। फूलों का ऑरेंज कलर, फूल नहीं रे, फ्रूट का, फूल बोल रहा हूं बार बार, किसके, ये देखो ये दिखाया हूं, फलों का पीला रंग किसके कारण, ल्यूटीन। अरे लिख दिया हूं भाई पीला रंग, हिंदी वाले पीला रंग, इसको बोलेगा सर ऐसे लिखो ल्यूटीन ऐसे, तब मानूंगा। और दूसरा नारंगी रंग, नारंगी रंग, तो ये लिखना पड़ता है इसको बीटा कैरोटीन, किसके कारण, बीटा कैरोटीन। अगला लिखो गुरुजी हरा रंग, तो हरा रंग किसके कारण, क्लोरोप। अरे सर हरा रंग तो कोई पढ़ाते ही नहीं, पीला रंग नहीं पढ़ाते हैं, नारंगी, हम लोग एक ही पढ़ते हैं केवल लाल रंग। तो रेड कलर किसके कारण, कैप कैप कैसे लिखूं रे, कैप जेनथीन, किसके कारण, कैप जेनथीन। ये रंग से इसके बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये हो गया कैप जेनथीन। उसके बाद लाल रंग हो गया ना, चलो अब वो जानते हो तीखापन किसके कारण, कैप्सेसिन, और एरोमा सुगंध ऐसे भोजन में जो आते हैं ओलेरेसिन के कारण, किसके कारण, ओलेरेसिन। चिली रिच सोर्स होता है किसका, थायमिन का भी होता है। रेड कलर देखो कैप्जेंथिन, फॉर्मूला ऑफ कैप्जेंथिन ये लिख लेना, कैप्जेंथिन का सूत्र क्या होता है, C40H56O3। हालांकि जानते हो ये कैरोटीन का है, C40H56 किसका होता है, कैरोटीन। कैरोटीन का कितना होता है बताओ, C40H56 ये किसका है, कैरोटीन, लेकिन इसमें O3 जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया, कैप्जेंथिन। क्या बन गया बताओ, कैप्जेंथिन, ये याद रखोगे कैप्जेंथिन। ये देखो इस साल आया हुआ प्रश्न, इसीलिए इसको बहुत कम लोग समझाते हैं। ओलेरेसिन क्या है, विच परमिट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर एंड फ्लेवर। अरे कलर और फ्लेवर का मतलब नहीं समझा सर, ऐसे लिखो ना आप, हिंदी में लिख रहे हो आज यार, मजा नहीं ला रहे हो। अच्छा ले भाई जान दे देगा। ओलेरेसिन ये तो ऐसे इंग्लिश में ही लिखूंगा भाई, ये इसके कारण क्या होता है, सुगंध और एवं रंग किसमें, भोज्य पदार्थ में, ऐसे आएगा। हाँ अब ठीक नोट्स बनेगा सर। भोज्य पदार्थ में सुगंध और कलर किसके कारण आते हैं, ये आया हुआ है ओलेरेसिन के कारण। किसके कारण है बताओ, तो एक बार मुझे बता दो, ये बार बार पूछते हैं कैप्जेंथिन। सर एक बार आप कैप्जेंथिन वाले सारे क्वेश्चन करा दोगे, तो करा देता हूं ले। तो ये क्या है बताओ, कैप्सेसिन, ये क्या है, कैप्सेसिन। इसके कारण कैसा होगा, सीसी की आवाज करोगे तो ये कैप्सेसिन, समझना आप आराम से, तीखी आवाज आएगी। तीखापन किसके कारण है, सीन के कारण। इसका फॉर्मूला बताना, C40H56 और क्या है, O2। एक तो प्रश्न सिंपल ये बनेंगे, O3 तोता, कैप्सेसिन। तो ये क्या है बताओ, रसायन है। अब समझ में आया, ये क्या है, केमिकल है, जिसका फॉर्मूला C40H56O3, जबकि C40H56 ये किसका होता है बताओ, ये होते हैं कैरोटीन का। किसका होता है, बीटा कैरोटीन अगर पूछा जाए तो, इसके कारण ये C40H56। अब ये कैप्सेसिन आपको इंपॉर्टेंट मिला। दूसरा पॉइंट बोलेगा, कौन सी वैरायटी में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसका नाम है पूसा ज्वाला। क्या नाम है बताओ, नाम से ही पता है ज्वाला। ऐसे खाओगे ना मिर्च को तो मुंह में लगेगा ज्वालामुखी फूट गए, आ आ मम्मी पानी लाओ चीनी लाओ,
ऐसे करते हैं ना, तो ये है पूसा ज्वाला। क्या है? पूसा ज्वाला। अब इसे समझने के लिए एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है, जरा ये देखें। ये जो मिर्च है, आप जानते हो ये लाल रंग किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं? इसका नाम है पंजाब लाल। वो तो अलग से वेराइटी है, लेकिन अब आप समझो, इस बार जो आपके एग्जाम में आया था प्रश्न ये है। क्या है बताओ? बायोलॉजी में प्रश्न है कि फूलों के डंठल, ये तो फूल, अब ये 10 बार तो मैं पढ़ा चुका हूं, इसी फूल से क्या बना होगा बताओ? फल। और इसी फल के अंदर क्या लगते हैं? बीज। तो ये तो बीज दिख रहा है मिर्च का आपको, और फूलों के डंठल ये क्या कहलाएगा? पेडिसील। पर ये बहुत सारे फूल ऐसे ऐसे लगे होंगे तो ये कहलाता है पेडंकल। नरेंद्र भैया बोलते हैं हर वीडियो में आ रहा है सर, अंकल मोटका पतरका क्या है? पेडिसील। अब ये जो भाग है इसको बोलते हैं प्लासेंटा। जरा आप देखो प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है? ये पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? प्लासेंटा। और ये वाले छोटका छोटका दिख रहा है, इसको यही लिख देता हूं। ये क्या है? बीज। ये क्या है? बीज। ये क्या है? प्लासेंटा। और मिर्च के ऊपर वाले भाग कहलाता है पेरिकार्प। पेरिकार्प तीन से बने होते हैं, इपी मिजो एंडो। ये यहां दिखेगा आपको, एक्सो मिजो और एंडो, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं बताओ? पेरिकार्प। ये क्या कहला रहा है? बीज। और इसके बीच में जो खाली जगह होते हैं, मिर्च को देखती हो ऐसे काट देती हो बीच में वो खलिका जगह, उसको लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? अब यहां पे ये ग्लैंड्स पाया जाता है, ग्रंथि, यानी ऐसा ग्रंथि जो मिर्च में पाए जाते हैं प्लासेंटा में, और इससे वो केमिकल छोड़ता रहेगा। तो ये केमिकल ऐसे ऐसे आते हैं ना, तो बगल में रहता है बीज, तो बोलता है आओ आओ मेरे माजा मेरे माजा। तो ये जो केमिकल था, केमिकल का नाम क्या है? C40H56O3। ये जो कैप्सेसिन केमिकल है, कैप्सेसिन केमिकल एक ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है, जो कहां पाया जाता है? प्लासेंटा में। और ये सबसे ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं बीज। इसीलिए जब मिर्च का ना, एक तो ऊपर वाला भाग खाओ कचर कचर तो ये तीखा नहीं लगेगा ज्यादा, प्लासेंटा भी खा जाओ जिसमें वो बनते हैं तो भी तीखा नहीं लगेगा। तीखा कौन लगते हैं? ये बीज देखता होगा, ये अंदर वाला जो निकलते हैं तो किसके कारण आप बोलोगे बताओ? कैप्सेसिन। तो कौन सा भाग सबसे तीखी लगती है? सीड का। कौन सा भाग? अगर प्लासेंटा ऑप्शन हो तो प्लासेंटा में बन रहा है तो वो तो तीखा लगेगा है। अगर प्लासेंटा ऑप्शन नहीं हो तो क्या टिक कर देंगे बताओ? सी। तो एक प्रश्न यहां से बन जाएगा, तो बीजों की कौन सी भाग जो है सबसे तीखा लगते हैं? तो तीखा जो लगेंगे वो फर्स्ट ऑप्शन क्या दोगे? प्लासेंटा। और सेकेंड ऑप्शन हम क्या देंगे? बीज। कौन सा देंगे? बीज। तो कैप्सेसिन का ये प्रश्न 4 आपको बहुत शानदार अच्छा बता दिया हूं, यही इंपॉर्टेंट आते हैं बार बार, तो ये 4 आपको ध्यान में रखना चाहिए। बताओ आप, कोई दिक्कत? एक ही बार पढ़ेंगे जिंदगी में, होती दोबारा नहीं, बस एक बार। बार बार थोड़े टीचर से पढ़ते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे। अब बताओ, जिसका फल खाते हो, बता चुका हूं कॉन्सेप्ट क्या होंगे। ये देखने में तुझे लगता होगा कि सर बड़ा पढ़ाते हो, लेकिन बस ये काम है। क्या होगा? जिसका फल खाते हैं इसको छोटा करके सर लिख के पढ़ा दो आप, अच्छा लगे। एक इमेज देख लो, इसको बोलते हैं प्लानोफिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? प्लानोफिक्स। हाँ सर, लिख लिख के ना थोड़ा अच्छा नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो जिसका फल खाते हो, कल एक लड़का बोला नहीं सर लिख के जो पढ़ाते हो तो वो ज्यादा समझ में आता है। तो ये क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। क्या है बताओ? जिसका फल खाते हो वो क्या है? डे न्यूट्रल। अब हम दूसरा पॉइंट, मैंने आपको बोला था कि मिर्च में फूलों को गिरने से रोकना है। फूलों को क्या करना है बताओ? गिरने से क्या करोगे? रोकना है, गिरने से रोकना, प्रिवेंट करना है। क्या? फ्लावर ड्रॉप, प्रिवेंट फ्लावर ड्रॉप, फूलों को गिरने से रोकना है। तब हम उपयोग करेंगे किसका? उपयोग करेंगे NAA, और इसका नाम है प्लानोफिक्स। इसको याद रखोगे, इसका नाम क्या है बताओ? प्लानोफिक्स। रूटेक्स किसको कहते हैं बताओ? रूटेक्स। रूटेक्स कहते हैं IBA का। सेराडेक्स किसका नाम है बताओ? सेराडेक्स इसी का नाम है। इसका नाम क्या है? सेराडेक्स है, रूटेक्स है, वो किसे बोलते हैं? IBA का। तो NAA का उपयोग करेंगे कितना? एट द रेट ऑफ 20 से 50 PPM। कर लोगे?
और ये कहाँ उपयोग होता है बताओ, एन ए ए का उपयोग और इसके साथ साथ और कहाँ करते हैं, अंगूर में भी, अंगूर में भी कहाँ करोगे बताओ, अंगूर में भी किसका उपयोग करते हैं, एन ए। तो ये हो गया इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, इंडिया प्लानोफिक्स। चलो नेक्स्ट। अब मिर्च में एक उर्वरक यूज करते हैं, यानी कि मिर्च में, ये भी पूछता है बायो फर्टिलाइजर कौन सा उपयोग करते हो, बायो फर्टिलाइजर मिर्च में जो उपयोग किया जाता है जिसका नाम है एजेटो वेक्टर, क्या है, एजेटो वेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तापमान कितना होना चाहिए अच्छे ग्रोथ के लिए, कितना होना चाहिए, 20 से 25, ये तो ऑप्टिमम है। विटामिन ए और सी लेकिन प्रचुर मात्रा में कौन ठीक करेंगे, सी। हरी और सूखी का रेशियो क्या होता है, एक मिर्च देखो ग्रीन है, हरियर का है, और इसको पूरा एकदम धूप में छोड़ देती हो, सूखा बना देती हो, देखो ये सूखल का मिर्च, तो ये देखती होगी एकदम हल्का होता है, और ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो ये तो पहले हरी थी, उसके बाद बनी क्या, लाल, उसके बाद और क्या हो गई, सूख गई। अब ये सूखा है तो इसमें पेरिकार्प भी है, अंदर सीड भी होंगे, प्लासेंटा एकदम सूख गया होगा, इसको बनाते हैं मसाला, क्या बनाओगे, पाउडर, इसका क्या बनेगा, पाउडर। तो ग्रीन और सूखी, सूखी को बोलते हैं ड्राई चिली, कौन सा चिली है, जिसका अनुपात कितना होता है, 10:1। अगर ये मिर्च हरियर का ये 100 kg का है, अगर ये सूख जाएगा तो ये केवल बचेगा कितने, आपके 10 kg, कितने बचेंगे, 10। तो एज ए आप अधिकारी ऑफिसर किसानों को क्या राय दोगे, किसानों को राय देना है आपको, क्या किसानों को राय देना है, इससे प्रश्न बनेंगे, क्या प्रैक्टिकल प्रश्न बनेंगे। अगर ये किसान है बेचारा, ये हरा मिर्च उत्पादन कर रहा है और सूखी मिर्च है, तो कब कहोगे बेचने, उसको बोलेंगे कि मिर्च रख ले घर में, उसके बाद इस अवस्था पे आएगा, अभी और रखे रहना सूख जाएगा पूरा तब बेचना, तो वो कुछ कमाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका 10 गुना वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो बताओ एज ए ऑफिसर आपको किसानों को क्या राय देना है, दादा ज्यादा से ज्यादा मिर्च आप कब बेच दें, हरी हरी अवस्था, ताकि उसको अल्टीमेट, किसान का मेन एम क्या होता है बताओ, इनकम, मेन एम क्या होता है, या तो इकोनॉमिक्स के नाते हम बताएंगे उसको किस अवस्था पे तोड़ना है, हरी अवस्था पे, कौन सी अवस्था पे, हरी, ठीक है। यही कारण है एक मिर्च 1 kg जब लेते हो ना, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा तो 30 रुपये, लेकिन 1 kg हम पाउडर लेने जाए तो उसकी कीमत 500 रुपये हो जाते हैं, कितनी होती है, देखी होगी पाउडर, 100 ग्राम का पाउडर आता है 50-100 रुपये मोल, लाल मिर्च आते हैं उसमें, एक डोकरे का ऐसे इमेज लगा रहेगा और उसके बाद नाम रहेगा उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ, बनी राम का, इसका मिर्च, उसका मिर्च, तो वो इस जानता है कि 10 गुना तो वजन क्या हो गया, कम। तो ये ऐसा नहीं, अब 30 रुपये तो हम ऐसे भी दे रहे थे बेचारे को, अब वो सुखा के बेचारा 300 रुपये मांग रहा है, तो कोई महंगा नहीं है, 10 गुना तो अंतर हो गए ना, तो ये नहीं कि उसमें लड़ाई करना है, अब नहीं करना है, 100 रुपया बेचारा कमाने का लेता है, तो 400 रुपया तक ठीक है, बढ़िया है, चलो आगे। ऐसा तो ये किसका उदाहरण है गुरुजी, पाउडर बना दिया तो वो किसका उदाहरण, तो ये तुड़ाई कर लिया उसके बाद पाउडर बनाया, यही तो पोस्ट हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट में मिनिमम इनकम आपको 10 गुना, कितने इनकम, 10 गुना। अब ये पाउडर सर वजन कम जाते हैं तो इसका क्या, व्यापारी लोग कुछ कर देता है तो इसमें छोटे छोटे कंकड़ मिला देते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, उसको भी पीस देता है मशीन में, साथ साथ लाल पत्थर को मिला करके दे दे, है जाने दे कोई नहीं। तो बड़का जो पाउडर हॉस्टल हॉस्टल में बड़का बड़का जो मिर्च आते हैं उसमें पाउडर के साथ साथ वो लाल पत्थर भी रहते हैं, चलने दे। जेल उल में इसका उपयोग खूब होते हैं, अब जेल में पागल 1000 कैदी और इतना भूखा आदमी, उसको कुछ करना तो है ना, खेत उत में काम करते हैं कैदी, खेत भी होते हैं जेल में, ध्यान रखना, तो वो ना उसका काम है, देखा होगा कोई आदमी ऐसे मरे हुए जाएगा जेल, अब वापस आएगा तो इतना मोटा होके आते हैं, तो बैठे बैठे खाता है वहां, तो एकदम, हालांकि नियम तो वहां बड़ा स्ट्रिक्ट है कि 4 रोटी ही देंगे, लेकिन धीरे धीरे अंदर का मामला सबको घुला मिला लेता है, तंबाकू पान उन ऐसे करवा कर सब अपने हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो बोल देता है अरे भाई तू क्यों लड़ रहा है, तेरे को नौकरी करना है, हमें यहाँ जीवन बिताना है, तो हम 15 साल रहेंगे तो क्यों लड़ना है, कोई 14 साल रहता है, कोई 15 साल रहता है, लास्ट में सरकार इसको लात मार के निकालता है, गधेड़ा तो तू आदत बना लिया। अब ना किसी कैदी से पूछ लो, मेरे गाँव के एक दो है, 4-5 साल के बाद ना वो बोलता है कि मुझे तो मन लगते हैं गाँव आने उने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि 500 आदमी वहां सब दोस्त हो जाते हैं, जानते हो उसके जब रिहा होते हैं ना तो वो आपस में रोते हैं कि अरे यार दोस्त जा रहा है अब, तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं अगला मर्डर करके फिर वापस आ, घबरा मत तू पागल, तेरे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो ऐसे चलते रहते हैं।
चले अब यहां आ जाओ। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, जरा समझो, सूखी जो मिर्च होते हैं ना, अभी आपको मैंने कौन सा मिर्च दिखाया, ये सूखा अभी पूरी तरह से तो नहीं है सूखा, सूखी जो मिर्च होते हैं इसमें 54% अगर वजन का हिसाब से बोला जाए कि जो पाउडर बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा वजन किसका होता है, 54% उसमें क्या होते हैं, बीज। ध्यान रखोगे, अगर आपको मैं बताता नहीं तो क्या टिक करके आ जाती, सूखी मिर्च में पूछता कि वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आप जरूर करके आ जाती ये ऊपर वाला। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, पेरिकार्प। क्या कहलाता है, देखो किसी का कलर एक्सट्रैक्शन करना है, रंग निकालना है, तब तो उपयोग करेंगे पेरिकार्प का, किसका करेंगे, पेरिकार्प। लेकिन किसी से हमें कैप्सेसिन निकालना है, क्या निकालना है बताओ, कैप्सेसिन। तो अब आप बोलोगे कैप्सेसिन कहां मिलेगा, पेरिकार्प में या इसके अंदर ग्रंथि में मिलेगा, ग्रंथि में। तो देखा होगा जब कैप्सेसिन निकालते हैं ना तो हमें पेरिकार्प का कोई मतलब नहीं, अंदर से खखोर के मिर्च को क्या निकाल देगा बताओ, उसका निकाल देगा ये वाले भाग, कौन निकाल देगा, ये वाले, ये यहां तक गया हुआ, इसमें क्या है, कैप्सेसिन, ये निकालते हैं कैप्सेसिन पृथक्करण निकालने में। चलो कहां थे रे, अब आ जाओ ये वाले, तो 54% क्या होते हैं बीज और 40% क्या होते हैं पेरिकार्प। तो यहां पे थोड़ा बचना है, पेरिकार्प नहीं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं बीज, और 6% क्या होता है डंठल, तो इसके डंठल देख चुका है, यहां होते हैं ना ये डंठल, तो ये डंठल, नेक्स्ट पॉइंट, ये डंठल, यही पेडिसिल सूख करके क्या बनाएंगे, डंठल, क्या बना देगा इसका, डंठल। अब आ जाओ पीएच बता चुका हूं कितना, 6 से 7, लेकिन इसी मिर्च को हम वेस्ट बंगाल में लगा दे और वहां के एग्जाम हो जाए तो 6 से कम, क्यों, पानी वहां ज्यादा है, वहां का मिट्टी अम्लीय है, बारिश ज्यादा होंगे, बारिश ज्यादा होगा तो पीएच क्या होंगे, कम, और मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय, कैसी हो? लेकिन सूखे प्रदेश में मैं आपको बता चुका हूं कॉन्सेप्ट, आंसर कितना, 6 से 7। चलो आप रोपाई कब करोगे 6 से 7, अरे सर जनरली आपने कल बोला था कि जनरली जो होते हैं ना सब्जी उसकी 4 से 5 सप्ताह में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। तो आप याद रखना जैसे ओनियन और कौन, मिर्च, ये 2 का याद रखना, इसको हम 6, 7, 8 सप्ताह तक भी करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांटिंग का समय लगता है इसी में, किसमें, प्याज में लग जाएंगे, और किसमें लगते हैं, मिर्च में, लहसुन में, इनके अति पौध बनने में समय क्या लग जाते हैं, ज्यादा। अब 1 ग्राम बीज में कितने, 120 से इतना, कल आपको बैगन पढ़ा रहा था, बैगन में 1 ग्राम लिया था तो उसमें मिला था आपको कितना, 250 सीड, कितना मिला था, 250 सीड। मिर्च, ये तो हो गया आपका क्या, बैगन, और एक आपने पढ़ा मिर्च, मिर्च के 1 ग्राम लोगे तो इसका बहुत ज्यादा तो आपको 200 सीड मिलेंगे, कितना मिलेगा। लेकिन अगर टमाटर की बात करोगे ना, टमाटर, ये मिर्च हो गए, तो 1 ग्राम में टमाटर में मिल जाएगा 300 बीज, कितने मिलते हैं ना, एक बार देखना, तो टमाटर में बीज, ये संख्या वाले चीजें ना गड़बड़ होते हैं, 250 या 300 लिखा हुआ ही नहीं है लिखा हुआ, ना कम होते हैं टमाटर में बीजों की संख्या, कम है, 200 के आसपास है, क्योंकि ये प्रश्न पूछते हैं सबसे ज्यादा 1 ग्राम में बीज किसका होता है, बैगन में, किसका होता है, बैगन में, ध्यान रखना सबसे ज्यादा 1 ग्राम में किस सोलेनेसी में बीज होते हैं, तो बैगन, किसका याद रखोगे, बैगन, ये एक स्टार लगाना। अब उसी समय से मैं ये संख्या देने लगा, नहीं तो मैं पहले कभी ये सब संख्या की लगता था यार क्या जरूरत है इसकी, लेकिन मैं देने लगा कि नहीं यार ये पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा 1 ग्राम में किसकी याद रखेंगे, ब्रिंजल का, किसका याद रखोगे, ब्रिंज, ये नहीं पूछेगा, इसको याद मत करने लगना कि उसमें 220 बीज होते हैं, इसमें 340, क्योंकि तुम रटने में तो किसी चीज को रट देते हो। मिर्च का बीज उत्पादन की बात करें, यानी सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सीड प्रोडक्शन इसका होता है 50 से लेकर 80 केजी प्रति हेक्टेयर, कितना होते हैं, 50 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। चलो अब आगे, अब हम बात करते हैं बीज दर, तीखी मिर्च, तीखी मिर्च को कौन सा बोलोगे, हॉट पेपर, हॉट पेपर का कितना है, 100, 1 से 1.5, जबकि हम शिमला मिर्च की बात करें, कैप्सिकम, कैप्सिकम और हाइब्रिड मिर्च,
हाइब्रिड चिली लिख देता हूं। तो इन दोनों का बीज दर कितना रखोगे? 250 से लेकर 300 ग्राम। ये क्या है? कैप्सिकम। ये क्या है? कैप्सिकम। अब आ जाओ ज्यामिति की बात करें, स्पेसिंग की बात करें, हालांकि ये करवा दिया हूं पहले। कितना है? 45x45। सॉइल कैसा होगा? तो आप जानते हो सैंडी लोम, दो बार तो मैं ही तुझे पढ़ा देता हूं। कैसा है सॉइल? सैंडी लोम। पीएच देखो कितना है, 6 से 6.5 के आसपास। नर्सरी क्षेत्र ये एक इंपॉर्टेंट है, सबसे कम नर्सरी क्षेत्र किसका होता है? नर्सरी एरिया। तो सबसे कम नर्सरी एरिया होता है दोस्त मिर्च का, कितना? 150। और बाकी की अगर बात करें बाकी का, तो वो होते हैं 250 मीटर स्क्वायर। कितने होते हैं? 250। और मिर्च का कितना होता है? 150। स्टार कहां लगाओगे? मिर्च में। कहां स्टार लगाएंगे? मिर्च में। चले आगे, ये नर्सरी लगा हुआ है इसका। अब आ जाते हैं किस्में की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किस्में। चले आगे, हॉट पेपर। किसकी बात करोगे सबसे पहले? हॉट पेपर। पहला जो वेराइटी है इसको लिख लेना अंग्रेज लोग, आंध्रा ज्योति आराम से लिख सकते हो। ये नाम है, नाम में हिंदी इंग्लिश नहीं होते। चेरी प्रकार का, चेरी नहीं समझा सर? चेरी का मतलब होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे गुच्छे लगे रहेंगे ये मिर्च, तो ये चेरी प्रकार के होते हैं। चैंपियन, ये जो मैं स्टार लगाऊंगा वो अर्का लोहित। अर्का लोहित जो है ना, पाउडरी माइल्ड्यू टॉलरेंस वेराइटी है, जिसका नाम क्या है? अर्का लोहित। वास्कर आया हुआ, वास्कर, ये वास्कर की इमेज है, ये वास्कर। थ्रिप्स वो माइट रसिस्टेंट है, रसिस्टेंट किसके प्रति है? थ्रिप्स और माइट, थ्रिप्स प्लस माइट रसिस्टेंट कौन है? वास्कर। क्या नाम है इसका? वास्कर। बताओ अर्का लोहित पहले पूछ लेगा किसकी वेराइटी है? चिली की। चिली में किसकी है बताओ? हॉट पेपर। किसकी है? हॉट पेपर। कैप्सिकम बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? बेल पेपर। कौन सा बोलेंगे? बेल पेपर। वास्कर किसकी वेराइटी है देख लिया, वास्कर भी किसकी है? हॉट पेपर का। किसका है? हॉट पेपर। पंजाब लाल बहुत बार ये पूछते हैं, पंजाब लाल इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जिसका नाम क्या है? पंजाब लाल। पंजाब लाल, पंजाब लाल जो वेराइटी है इससे रंग कलर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। क्या निकाले जाते हैं बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑफ कलर। कलर में क्या निकाल देगा बताओ? इसका कलर, यानी इससे रंग निकाल लेगा, कलर एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो कौन सा इसमें केमिकल? कैप जेंथीन। क्या निकालेगा? कैप या कैप्सिसिन निकाल लेगा इसे। कलर किसके कारण आएगा? कलर। और किसके कारण आ जाएगा? कलर ओलेरेसिन के कारण। किसके कारण? ओलेरेसिन। एरोमा और कलर किसके कारण आते हैं? ओलेरेसिन के कारण। चलो आगे, ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? ज्वालामुखी। तो ये हाई डेंसिटी के लिए, हाई डेंसिटी का मतलब सघन बुआई के लिए क्या लगाते हैं? ज्वालामुखी। MDU1 ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेंट वेराइटी। कौन सी वेराइटी है? म्यूटेंट। अगला, ये हमारे GRF के टाइम में आया हुआ है CH1, चिली हाइब्रिड 1, चिली। तो ये PAU से निकाला गया है, ये भी पूछ लेगा। PAU का मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहां है? लुधियाना। और इसमें एक लाइन पाया जाता है, जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन। ये पूछा गया था कि कौन ऐसी वेराइटी है जो विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो ये डेवलप किया गया है दोस्त जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन। ब्रीडिंग शुरू करूंगा उसमें बताऊंगा मैं ये क्या है, GMS। कल्याणपुर येलो, भाग्य लक्ष्मी इंपोर्टेंट, भाग्य लक्ष्मी इंग्लिश में लिखना, भाग्य लक्ष्मी। पूसा ज्वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बोला था पूसा ज्वाला से क्या निकालते हैं? कैप्सेंथीन। क्या निकालते हो? कैप्सेंथीन। किससे निकालते हैं? पूसा ज्वाला। यहां से हमें तीन वेराइटी इंपॉर्टेंट बता दो, एक तो ज्वाला आप बता दोगे, CH1 बता दोगे, पूसा ज्वाला बता दोगे, तो ये इंपॉर्टेंट। और एक क्या बोला? भाग्य लक्ष्मी। अगर भास्कर बोला जाए तो किसकी वेराइटी है बताओ? हॉट पेपर की। भाग्य लक्ष्मी बोला जाए तो किसकी वेराइटी है? हॉट पेपर की। अर्का लोहित किसका वेराइटी है? हॉट पेपर की। पाउडरी माइल्ड्यू रेसिस्टेंट वेराइटी है। अगर आंध्रा ज्योति आ जाए तो किसकी वेराइटी है? हॉट पेपर की। किसकी है? हॉट पेपर। तो ये पूसा ज्वाला का एक क्रॉस याद रखना, NP464 और पूरी रेड के बीच का क्रॉस है। ये भी आया हुआ प्रश्न है कि पूरी रेड किसकी वेराइटी है? पूरी रेड। आपको मैंने बताया था कि रेड शब्द जो आएगा ना वेराइटी में, वो आते हैं प्याज के लिए। किसके लिए आते हैं बताओ?
प्याज के लिए जैसे पंजाब रेड, सॉरी पटना रेड हो गया, रतनार हो गया, तो ये सब किसके होते हैं? प्याज की वेराइटी। लेकिन यहां क्या है बताओ? पूरी रेड। क्या है? पूरी रेड। तो ये याद रखना, ये वेराइटी किसकी है? मिर्च की। किसकी है? मिर्च। बस एक पॉइंट। रसिस्टेंट वेराइटी है किसका? मोजाइक डिजीज के लिए रसिस्टेंट है। क्या नाम है इसका? पूरी रेड। इसलिए बस एक लाइन याद रख लेना, पूरी रेड। पूसा ज्वालामुखी ये बता चुका हूं किसके लिए? हाई डेंसिटी, तो ये बता चुका हूं। येलो टाइप बताया हूं। अच्छा, पीली एंथर, ये भास्कर की एक कैरेक्टर याद रखना, इसका जो एंथर होता है वो कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। बाकी ये पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी कौन है? पंजाब सुरेखा। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे बीमारियों के प्रति क्या है? प्रतिरोध। बहुत सारे बीमारी के प्रति क्या है? प्रतिरोध। बहुत सारे बीमारी के प्रति प्रतिरोध, वो कौन सी वेराइटी है? पंजाब सुरेखा। क्या नाम है? पंजाब सुरेखा। सुटेबल फॉर कलर एक्सट्रैक्शन, यानी रंग निकालने के लिए ये दोनों वेराइटी इंपॉर्टेंट है। अरका अवीर, ऐसे लिख देता हूं, अरका अबीर, आप लिखना अबीर। और कौन है? पंजाब लाल। कौन सा वेराइटी है? पंजाब लाल। एक लैंग्वेज में लिखा रहता है तो दूसरा इजी है। किसके लिए? रंग निकालने के लिए, रंग निकालने के लिए इंपॉर्टेंट वेराइटी पंजाब लाल मैंने लिखा था। दूसरा कौन है? अरका अबीर। अबीर का मतलब लगता है लाल, पीला, नीला, तो ये याद हो जाएंगे। रंग निकालने के लिए अरका अबीर, और दूसरा कौन है? लाल, पंजाब लाल। तो दोनों एक ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि रंग निकालने के लिए। सुरेखा क्या है बताओ? मल्टी लाइन, बहुत सारे जैसे लीप कर्ल होते हैं, पाउडरी माइल्ड्यू होते हैं, इन सारे बीमारियों के लिए रेसिस्टेंट कौन है बताओ? पंजाब सुरेखा। जबकि अगर हम भास्कर की बात करें तो भास्कर जो होता है ना, ये कीटों के प्रति रेसिस्टेंट है। किसके प्रति है? कीटों के प्रति रेसिस्टेंट। जैसे कीट कौन लगेगा? तो इसमें सबसे ज्यादा कीट लगते हैं थ्रिप्स, और कौन लगेगा? एफिड। तो इन दोनों के लिए रेसिस्टेंट कौन है? भास्कर। लिखा हुआ है ना, थ्रिप्स एंड माइट्स। तो कीटों के लिए रेसिस्टेंट कौन है? भास्कर, माइट, थ्रिप्स। आप जानते हो कि जो कर्ल होते हैं वो किससे होता है? व्हाइट फ्लाई से। इसको ले जाता है कौन? व्हाइट फ्लाई। लेकिन मिर्च में कर्ल का कारण कौन है? थ्रिप्स। कौन है कारण? थ्रिप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, थ्रिप्स। हाँ, ये ना, पंजेंसी को मेजर किससे करते हैं? पंजेंसी को किससे मेजर किया जाता है? ये सब बड़ा अच्छा प्रश्न बनते हैं। ये तो क्या पढ़ाऊं तू लोग, में पूछेगा ना कभी, बड़े बड़का एग्जाम ERSR में पूछता है, मिर्च के कौन सा भाग खाऊं सबसे तीखा लगेगा? अंदर तो आ गया, अब वो सबसे तीखा है, नुकीली वाले, ये यहां देखता, आगे वाला सबसे तीखा। इसको किससे मेजर किया जाता है? ये तीखापन को किससे मेजर करते हैं? तो ये है स्कोविल हीट यूनिट के द्वारा। ये छोड़ देना तुम। हाईएस्ट पंजेंसी चिली, तो सबसे ज्यादा पंजेंसी चिली जिसको होते हैं बूट जुलोकिया, इंडिया में है जिसको हम बोलते हैं। यहां सबसे ज्यादा चिली की पंजेंसी का क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? मल्टी सीडेड बेरी करा दिया हूं। सीड की वायबिलिटी 2 साल होते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस करा दिया हूं, कितना होते हैं? 400। एवरेज इल्ड, सीड इल्ड एक लिख लेना बस। बीज उत्पादन, एक पॉइंट बचा, बीज उत्पादन, मिर्च का बीज उत्पादन कितना? 300 से लेकर 350 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना है? एवरेज। हाइब्रिड सीड यील्ड है, ध्यान रखना, संकर की, और मैं जो उधर लिखा हूं नॉर्मल की है। मोस्ट हार्मफुल स्पीसीज ऑफ निमेटोड रेसिस्टेंट के लिए कौन है? मिलेडोगाइनी। बाकी ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट है। मल्टी सीडेड बेरी समझते हो? मैं ये पॉइंट इसलिए लाता हूं कि कभी मेरे दिमाग से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो यहां डिस्कस कर ले। मल्टी सीडेड, आपको मैंने क्या बताया था? बेरी। अब बेरी में जानते हो इसके अंदर बहुत सारे बीज हैं, तो किसका उदाहरण है? मल्टी सीडेड बेरी का। किसका है? अब आज शुरू करेंगे कैप्सिकम, जो आज होगा नहीं। छोटी सी कहानी है कैप्सिकम, करा दूं, कुछ है ही नहीं। ये 2 क्लास क्यों खींचूं? कल करा दूं? चल ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। ये सब नोट्स बनाते हो कि आप ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाते हो? सबका नोट चेक कर लो सोमवार को, हातम
वो तो मैसेज करूंगा, टीचरों को पूछूंगा, हाथ पैर जोड़ूंगा, कोई बोलेंगे हाँ कोई ना। बहुत लोचा है तुम लोग ना, बड़ा इजीली शिकायत कर देते हो, अरे सर मैनेजमेंट सही नहीं है। जब तुम करोगे ना कोई काम प्रैक्टिकली तब पता लगेगा। जब आप घर चलाओगे ना तो बच्चे बोलेंगे मोबाइल नहीं देने का औकात है तो पैदा क्यों कर दिया, बड़ा दुख होगा उस समय, लगेगा यार क्या बोल दिया। ऐसे ऐसे बाल बच्चे भी होते हैं। तो मैनेजमेंट आप देख लो, मैं 10 बजे टाइम देता हूँ, अब 10:30 में आते हैं सर, तो मैं क्या करूं, बोल बोल के थक गया। तो अब दूसरे से पढ़ लोगे तो ठीक है। होते हैं रे जो थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लिए अपन सहना भी चाहिए, उतना घबराना नहीं। नरेंद्र भैया कहाँ हो? अरे तो इधर बंद करोगे या नहीं? चले ये करेंगे कल, निकले आप लोग धीरे धीरे साइड साइड। भाई ऑनलाइन वाले भाई साहब बोले कैसा लग रहा है आपको, ले लो सर मजा आ रहा है, मजा आ रहे हैं। नरेंद्र भैया इसको दो तो बुक लाके मेरे घर से, वो नोट फॉर सेल ही देगा खराब कर। हाँ दीपावली में वो सारे ऑफर तो चल रहे हैं, कितने हैं सब पे, 90%। हाँ तो 90% है ना। मंजू आ जाओ सर, लो चेक नोट्स पीडीएफ बना के भेजना है मंजू तेरे को, बढ़िया से लिख रही हो तो। सर हम तो नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल सब लोगों को नोट्स बनाना चाहिए और तभी मजा है। इतना मैं भी मेहनत करता हूँ आपके लिए, देखो जहां से पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं मैं लिख कर लाता हूँ। तो आप भी मेहनत करो, केवल इसलिए नहीं पढ़ो कि बस फ्री फंड मिल रहे हैं, तो चलो एहसान कर रहा हूँ सर पे। अभिलाषा सिंह जी सर, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन देखो होता है कि जैसे तेरे गांव का, पूरी प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन का मतलब है जैसे एक गांव में मिर्च लगा रहे हैं तो पूरी गांव में जो उत्पादन होते हैं उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। और हम अलग खेत में लगा रहे हैं, नारू भैया अलग लगा रहे हैं, कृति अलग लगा रही है, दीपिका अलग लगा रहे हैं, हिमांशी अलग लगा रहे हैं, 5 लोग अलग अलग लगा रहे हैं। अब पांचों को सेम एरिया दूं, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर, और उसमें सबसे अच्छा हम खेती कर ले, हमारा उत्पादन 50 टन चला जाए, इसका 40 गया, तेरा 30 गया, तेरा 20, उसका 10, तब तब मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये होते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।